हेलो दोस्तों, निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में आज क्या हुआ। तो ये स्क्रीन पे आपके निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का एक चार्ट लगा हुआ है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है ये आज की कैंडल है, और इस कैंडल ने कैसे अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया और गैप अप ओपनिंग के बाद पूरे टाइम निफ्टी ऊपर ही बना रहा, इस गैप को फिल करने नीचे नहीं आया। अगर आप निफ्टी की हाई देखेंगे, आज का हाई उसने बनाया 20,291 और जो इसका लो है वो 20,267। तो परसेंटेज वाइज में अगर आप डेली चेंज देखते हैं तो यह करीब 0.67% का चेंज हमें देखने को मिला। लेकिन इस गैप अप ओपनिंग को समझने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में चलना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि क्या वहां पर हमारे लिए आने वाले दिनों के लिए लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मार्केट देती है सबको कमाने का मौका, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बटन दबा के मारो मौके पे चौका। तो हम लोग सीधा चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे। ये स्क्रीन पे आपके 15 मिनट का एक चार्ट लगा हुआ है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ये जो गैप अप ओपनिंग हमने देखा था वहाँ पर निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में, वो यहाँ पर क्लियर विजिबल है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं प्राइस एक्शन को। तो अगर आप ये देख रहे हैं एरिया जहाँ पर कि निफ्टी ने गैप अप किया था, और गैप अप करने के बाद ये एरिया कभी भी फिल नहीं हुआ। निफ्टी ने शुरुआत में एक बुलिश कैंडल बनाई, और इस बुलिश कैंडल का कितना बेहतरीन फॉलोअप ये आया, ये देखिए ये एक कैंडल और आई। ये ज़्यादातर इंट्राडे के प्लेयर्स इसको प्ले करते हैं, निफ्टी के हाई को ब्रेक करते ही वो बुलिश हो जाते हैं और एक मोमेंटम आता है जिसको वो कैच करते हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, निफ्टी साइडवेज हो गया, पूरे टाइम वो साइडवेज रहा और क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे आई। तो ये जो लेवल है, ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन, जो कि पहले सपोर्ट था बाद में निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस हो गया, और अब आने वाले टाइम में हमारे लिए क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये देखने के लिए हमें ये जोन समझना पड़ेगा। ये जोन आप देख रहे हैं, ये जोन जब तक निफ्टी इस जोन के नीचे है हमारे लिए सिग्नल बियरिशनेस का रहेगा, ये नीचे। और जैसे ही ये वाला जोन क्रॉस करके निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो हमारे लिए इसका सिग्नल बुलिश सिग्नल हो जाएगा। तो आपको ये जो लेवल है, ये लेवल ध्यान रखना है, ये वाला लेवल आ रहा है 20,267-268 के आसपास का लेवल है, और जो नीचे का सिग्नल रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा। इसके नीचे अगर आता है तो हमारे लिए बेरिश सिग्नल है। तो ये था हमारे लिए निफ्टी का डेली का एक एनालिसिस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और अब दोस्तों सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी में और समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में पहले, फिर हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने बैंक निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम है, और इस डेली के टाइम फ्रेम में आपको साफ साफ दिख रहा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी कभी भी अपना लो ब्रेक नहीं कर रही है और फ्रेश हाई बनाते ही चला जा रहा है। यही हमें निफ्टी में भी देखने को मिला था और यही बैंक निफ्टी में भी है। तो ये जो इसकी कैंडल बनी है, ये वाली जो डेली की आप कैंडल देख रहे हैं, इस डेली की कैंडल को समझने के लिए हम लोग चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट में, वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो आइए सीधे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। जैसा आपने वहाँ पर देखा था, ये जो एक चार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा एक एरिया है 15 मिनट का। इस एरिया में ही निफ्टी ने पूरे टाइम क्या क्या किया, देखिए शुरू के जो ये एक बेरिश बुलिश कैंडल बन रही थी, हर बार निफ्टी अपना हाई ब्रेक कर रहा था, लो ब्रेक नहीं कर रहा था, मोमेंटम बना हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों, ये पूरा एक एरिया साइडवेज हो गया, निफ्टी एक टाइट, बैंक निफ्टी एक टाइट जोन में फंस गया, ना इसके ऊपर जा रहा था ना इसके नीचे आ रहा था, वही वाला जो निफ्टी में हो रहा था वही बैंक निफ्टी में, और फाइनल क्लोजिंग इसकी थोड़ी सी नीचे आई। तो हमारे लिए जैसे निफ्टी के लेवल्स थे वैसे ही बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बनते दिख रहे हैं। ये जो जोन है लॉ ऑफ पोलैरिटी वाला जोन, जो मैंने आपको वहाँ भी बताया था, और यहाँ भी ये जोन, जब तक इस जोन के नीचे है हमारे लिए सिग्नल बेरिश रहेगा, और जब इस जोन के ऊपर आएगा हमारे लिए सिग्नल रहेगा बुलिशनेस का। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल, मिलते हैं अगले वीडियो में।